हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है? ऑप्शंस हैं भंडोच, सिरोही, जालौर और मंडौर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिरोही। सिरोही में गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना जाता है। अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो गुर्जर प्रतिहार सबसे पहले माने गए हैं मंडौर में, ठीक है। उसके बाद जो नागभट्ट प्रथम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मंडौर है यहाँ से अपनी राजधानी बनाया भीनमाल जालौर को, ठीक है। तो ऐसे करके मंडौर से जालौर पहुँचा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो भंडौत, जालौर और मंडौर में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, सिरोही में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती कंठाभरण राज मृगांक विद्युजन मंडल सम्रांगण श्रृंगार मंजरी कथा कूर्म शतक आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोज परमार इसके रचनाकार हैं। ये जो ग्रंथ दिए गए हैं इनके रचनाकार हैं भोज परमार। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। नागभट्ट द्वितीय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हुए जो मंडौर शाखा है गुर्जर प्रतिहार वंश की, उसमें नागभट्ट प्रथम का नाम आता है। उसके बाद बत्सराज, जिन्हें रणहस्तिन भी कहा गया है, तो बत्सराज का ही पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, चक्रायुद्ध को पराजित किया और कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया। एक जो नाम आता है वो आता है त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि कन्नौज में जो संघर्ष हुआ था, कन्नौज आपने सुना भी होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो पत्नी थी वो कन्नौज के ही राजा की पत्नी थी, पत्नी बेटी थी। तो जो कन्नौज है, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें दक्षिण के राष्ट्रकूट, पूर्व के पालवंश और उत्तरी भारत के गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज में हुआ था। तो उसका अंत किया था नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है। और नागभट्ट द्वितीय ने गंगा जल में समाधि ले ली थी, नागभट्ट द्वितीय ने गंगा जल में समाधि ले दी थी और नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नागभट्ट प्रथम के उपनाम थे क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार कहते थे इसको, नारायण की मूर्ति का प्रतीक और नागाव लोग इसको कहते थे, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला लोग इसे कहते थे, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन कौन से हैं? क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागाव लोग, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला। किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये मैंने बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में अभी, कन्नौज वाला। तो बत्सराज के टाइम पर यह प्रारंभ हुआ था और बत्सराज का बेटा ही था कौन? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय बत्सराज का बेटा था, ठीक है। किस प्रतिहार गुर्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ? अभी मैंने बता दिया था नागभट्ट द्वितीय के समय पर यह समाप्त हो गया था, यह जीत गया था, इसने चक्रायुद्ध को पराजित किया था। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का, ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में पूछा जाता है। तो ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना है वो भोज प्रथम के टाइम पर की गई थी, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम के टाइम पर की गई थी और ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार बताया गया है और विशुद्ध क्षत्रिय बताया गया है इसी प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? मिहिरभोज को पितृहंता कहा जाता है, मिहिरभोज को पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। मिहिरभोज ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी? कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक उपाधि है आदिवराह, आदिवराह की उपाधि धारण करी थी मिहिरभोज ने। इसके अलावा एक और उपाधि थी जिसे जो है प्रभास, प्रभास उपाधि भी मिहिरभोज ने धारण करी थी। तो आदिवराह और प्रभास, ये दो उपाधियां मिहिरभोज ने धारण करी और पितृहंता इसे कहा जाता है। मिहिरभोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था, यह कथन किसका है? यह कथन है सुलेमान का। मिहिरभोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं देता था, यह कथन सुलेमान का है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया,
तो वो है राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में, इसमें गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया ध्रुव ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, तो गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था, डी ऑप्शन करेक्ट है, गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखना है प्रथम प्रतिहार शासक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी, वो था महेंद्रपाल। मेहरबोज ने कौन कौन सी करी, आदि बराह की और प्रभास की, ये भी मैंने बता दिया आपको। प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी भीनमाल, पहले मंडौर थी फिर भीनमाल ट्रांसफर कर दी, किसने करी, नागभट्ट प्रथम ने करी थी। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ, देखो ओसिया में एक तो सूर्य मंदिर है, एक महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिरों का समूह भी है, वो बनवाया था वत्सराज प्रतिहार के टाइम पर, डी ऑप्शन करेक्ट है। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, गलत बात है, केंद्रीय राजतंत्र थे। अगला क्वेश्चन है, उद्योधन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबलय माला की रचना 778 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय की थी, तो वो वत्सराज प्रतिहार के समय की थी। देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कुबलय माला की रचना किसने करी, उद्योधन सूरी ने करी, किसके किस राजा के टाइम पर करी, तो वत्सराज प्रतिहार के टाइम पर करी थी। प्रभास व आदि बराह की उपाधियां किस प्रतिहार शासक ने धारण करी, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेहरबोज आंसर होगा इसका, प्रभास और आदि बराह, इंपॉर्टेंट था, बार बार आ रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, याद रखना है प्रभास और आदि बराह। मंडौर के किस प्रतिहार शासक ने भाटियों को पराजित किया था, तो सीलुक ने भाटियों को पराजित किया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेहरबोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया है, मेहरबोज को सुलेमान जो कि अरब यात्री था उसने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत किसने प्रतिपादित किया है, तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत प्रतिपादित किया। नागभट्ट प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नागावलोक, इंद्र के दम्भ का दमन करने वाला, राम अवतार, क्षत्रिय, ऐसे नामों से जाना जाता है। किस प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, करेक्ट आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहारों का गुरु किसे माना जाता है, प्रतिहारों का गुरु रोहिलाब्धि को माना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेहरभोज ने किस प्रशस्ति की रचना करी थी, मेहरभोज ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करी थी और इसमें नागभट्ट को राम का प्रतिहार बताया गया और विशुद्ध क्षत्रिय बताया गया। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो वो थी मंडौर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि नागभट्ट प्रथम ने मंडौर से जालौर भीनमाल में राजधानी अपनी ट्रांसफर करी थी। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था, तो ये आपको याद रखना है, अलग से क्वेश्चन है ये कि अंतिम शासक कौन था, यशपाल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना गया है, तो प्रतिहार प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है राजस्थान में। मंडौर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ मानी जाती है, तो वो है रज्जिल, सी ऑप्शन करेक्ट है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने करी, तो ये करी थी राजशेखर ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, साहित्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत, इन ग्रंथों की रचना राजशेखर ने करी थी। गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान कौन है, तो वो है कैनेडी, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है, वो है विदुषाल भंजिका, विदुषाल भंजिका ग्रंथ में राजशेखर ने प्रतिहारों को महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि और सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। मंडौर के प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो था मेहरबोज, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित करी, कन्नौज में, कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध इसने समाप्त किया था और अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर दी थी। नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ये भगवती की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, डी ऑप्शन करेक्ट है।
कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में किस प्रतिहार शासक ने विजय प्राप्त करी? करेक्ट आंसर होगा बत्सराज ने, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। वैसे इसमें जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नागभट द्वितीय, क्योंकि नागभट द्वितीय ने विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, नागभट द्वितीय इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। ठीक है, नागभट द्वितीय ने त्रिकोणीय संघर्ष में विजय प्राप्त करी थी। बत्सराज के टाइम पर तो युद्ध चालू हुआ था और विजय नागभट द्वितीय ने प्रारंभ प्राप्त करी थी। आर्यावर्त का महाराजाधिराज की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? करेक्ट आंसर इसका महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज इसकी उपाधि प्राप्त थी। पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक की रचना किसने करी? इसकी रचना करी थी प्रह्लादन देव ने। किस प्रतिहार शासक ने 918 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? कुक्कुक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई साहब, घटियाला का शिलालेख पूछा जाता है, जोधपुर में है ये, और कुक्कुक ने इसका निर्माण करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक बत्सराज को पराजित किया था? तो वो था ध्रुव प्रथम, इसने प्रतिहार शासक बत्सराज को पराजित किया था। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी तो वो था महेंद्रपाल प्रथम। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि बराह की उपाधि धारण करी? तो मेहर भोज ने आदि बराह और प्रभास की उपाधि धारण करी थी। भैरव यात्री जिसके विवरण से प्रतिहार शासक मेहर भोज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो वो है सुलेमान, ये एक अरब यात्री था। राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ कहाँ पर रहा? तो मंडोर, उसके बाद भीनमाल और जालौर, ये इसके स्थान रहे प्रतिहार वंश के। प्रतिहार वंश की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, अवंती में, सी ऑप्शन अवंती में। किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदि बराह मिहिर और प्रभास थी? तो वो था भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज भी कहते हैं। 851 ईस्वी में आए अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक का वर्णन किया? तो उसने मिहिर भोज का वर्णन किया है और इस्लाम का शत्रु इन्हें बताया है। किस प्रतिहार शासक के समय 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो महिपाल प्रथम के टाइम पर अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार क्षेत्र कहाँ था? तो परमार आबू क्षेत्र में अधिकार था परमारों का, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।